Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online classes for physics, chemistry, maths, and you are now class 12, mathematics, vector. Last video, we are so well discussed about scalar triple product in previous video. We are in last video of vector, very, very important chapter. So, there are many questions. 25A का बहुत क्वेश्चन 6 तक बहुत पूरा बना लिया, 10 नंबर तक बना लीजिए, दो चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताएंगे और एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा. इसे 1, 2, 3, 4, 5 से बना लिया, सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो. क्लियर है? एग्जाम्पल बताए थे उसी से बन गया, वो 1 से लेकर 6 तक 7 ही बन गया होगा. हम अपने से बना के एक और दिखा रहे हैं. लैम्डा निकालने बोल दिया, वॉल्यूम 46, इसका मतलब क्या हुआ? एसटीपी इक्वल टू क्या है? 0. इसका मतलब क्या हुआ? डिटरमिनेंट विल बी क्या होगा? 0 -12i 0j लेमडा के 0i 3j माइनस के. बताया कैसे निकालते हैं? 2i 15 माइनस में. अब इसको सोल्व कर देंगे, लेमडा निकल जाएगा. डाटा में आपको उसका उल्टा पुल्टा लिखेंगे, आप देख लीजिएगा हड़बड़ी में. 15, 45 और 1, 46 -12 × 46 45 और 1, 46 जीरो का जीरो लेमडा -6 अंडरस्टूड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 546. अभी तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 लैम्डा इज इक्वल टू 546. उधर क्या प्लस हो जाएगी? -12 है. क्लियर है? 12 × 6 = 72, 12 × 6 = 48, 12 × 6 = 72. हम उस क्वेश्चन में कुछ और लिखे होंगे, एक बार चेक करते -12 आई है या कुछ और. -45 और 1 -44. क्लियर? अब बोलिए कितना होगा? 12 × 6 = 48, 12 × 6 = 48 और 4 = 52. कितना होगा? 6 लैम्डा इज इक्वल टू घटाइएगा तो आएगा 18, तो लैम्डा का वैल्यू 3. बहुत इजी है. 7, 8, 9 सब बना लीजिए. 10 नंबर देखिए, पॉइंट दिया हुआ है, 4 को पॉइंट दिया हुआ है और प्रूव करना है कोप्लेनर है या वॉल्यूम निकालने बोल दिया. चारों पॉइंट एक ही प्लेन में है, ए बी सी डी नाम दे दीजिए. 10, 11 सब ऐसे ही बनेगा. क्लियर है? 10, 11 चार को पॉइंट एक ही प्लेन में है या बोलिए इनसे वॉल्यूम निकाल दिए. तो तीन को साइड ओ ए ए बी बी सी तीनों साइड आप निकाल दिए अपने मतलब. इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, सी दे दीजिए. ए पॉइंट दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में ओ ए दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में ओ बी दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में ओ सी दिया हुआ है. ओ ए दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, ओ सी दिया हुआ है. ओ ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2i + 4j + 6k. OB का वैल्यू क्या दिया हुआ? 4i + 8j + 12k, 3i + 5j + 4k एंड OD भी दिया हुआ है. OD कितना दिया हुआ? 4 को पॉइंट, याद है पहले पढ़े हैं कोलिनियर में 3 को पॉइंट था और प्लस क्या है? 5k. सबसे पहले क्या निकालिए? A निकालिए. A कैसे निकालिएगा? AB को मानते हो. AB कैसे निकालिएगा? OB माइनस OA से A निकालिए. अपने मन से तीन को साइड हम निकाल दे रहे, तीनों साइड एक ही प्लेन में है, वॉल्यूम 0, तो क्या कहलाएगा? कोप्लेनर कहलाएगा. ये क्लियर है? तो अब इसको नोट कीजिए, बना के दिखा रहे हैं इसको. समझ में आ रहा सबको? स्टूडेंट लोग समझ में आ रहा? होमवर्क कर रहे होंगे उम्मीद है. उतार लीजिए इसको. चलिए बनाते हैं. ए कैसे निकालेंगे? ए बी से. ए बी कैसे निकलेगा? ओ बी माइनस ओ ए से. बी कैसे निकलेगा? ओ सी माइनस ओ बी से. और सी क्या है? ओ डी माइनस ओ सी से निकलेगा. ए बी सी और इसका नाम है सी डी. ओ डी माइनस क्या करेंगे? ओ सी. चलिए माइनस करिए. 4 में 2 गया, ठीक है सबको, 2i माइनस करना है. 8 में 4 गया 4j और 12 में 6 गया 6k. हम डाटा सही से लिख अपने से लिख लीजिएगा. पता है बी निकाले, 3 में 4 गया -i, 5 में 8 गया -3j. क्लियर है? 4 में 12 गया -8k. अंडरस्टूड? चलिए
फिर निकालिए 5 में 3 गया 2i, 8 में 5 गया 3j और 5 में 4 गया प्लस k। अब हम लोग क्या करेंगे, एचटीपी निकालेंगे, मतलब ए बी सी निकालेंगे, मतलब वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर जीरो आएगा तो बोले कोप्लेनर, अगर मेरा डाटा सही है तो आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। बोलिए क्या होगा, 2, 4, 6 माइनस 1, सॉरी ओबी में से कोई पकड़ टू गया, 4 गया, 2, 4, 6 फिर क्या आया, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 8 2, 3, 1 तो माइनस 3 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 24 माइनस 3 हो गया प्लस 24 हो गया 21 दूना क्या होगा 42 आता डिटर्मिनेंट सॉल्व पे आता ना, माइनस 1 प्लस 16 15 चौके 60 6 का माइनस 3 प्लस 6 18 कितना है 60 माइनस 60 इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम जीरो आ गया, इसका मतलब क्या बोलेंगे, पॉइंट्स आर कोप्लेनर। अगर पॉइंट देगा तो ऐसा बनेगा और कभी कभी साइड देगा तो ऐसे बनेगा। इस तरह से 1 से लेकर 10 तक बना लीजिए और 2-3 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बना के दिखा रहे हैं, कैसे बनाएंगे बताते हैं, पहले नोट कीजिए। एक्सरसाइज 25A का 1 से लेकर 10 तक बना लीजिए, सारा क्वेश्चन वैसा का वैसे सब उम्मीद है बन जाएगा। चलिए अभी हमें कुछ क्वेश्चन स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वो वेक्टर ए बी सी आर 3 वेक्टर्स प्रूव कर दीजिए। इतना कैसे बनाएंगे, ध्यान से एलएचएस क्या दिया हो, ध्यान से देखिए 3 वो वेक्टर का सम है ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए 3 वो वेक्टर क्लियर है। ये तीनों क्या लिखा हुआ है, एसटीपी में लिखा हुआ है। सपोज इसको हम कैपिटल ए लिख दिए, इसको कैपिटल बी लिख दिए, इसको कैपिटल सी, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, ये एसटीपी ए बी सी लिखा हुआ है कि नहीं। अब क्या करेंगे इसको ए डॉट डिफिनेशन याद आ रहा है, चाहे ए क्रॉस बी डॉट सी लिखे चाहे ए डॉट बी क्रॉस, अब वेल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए। ए का वेल्यू क्या था, ए प्लस बी डॉट डॉट बी क्रॉस सी, बी और सी का क्रॉस करिए, बी कितना है बी प्लस सी क्रॉस सी का वैल्यू क्या है सी प्लस ए, अंडरस्टूड, ए प्लस बी डॉट ए बी का वैल्यू और सी। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी B क्रॉस A, B से मल्टीप्लाई किए B क्रॉस C, C B क्रॉस C, B क्रॉस A, अब सी बोलिए C क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, तो ये तो सेम है, जीरो हो जाएगा, क्लियर है। अब आइए सबको मल्टीप्लाई करिए, A से करिए सबको, A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C, इसको इससे कर दिए, फिर आगे लिखिए ए डॉट बी क्रॉस ए, ए डॉट बी क्रॉस ए, ए डॉट बी क्रॉस ए, ये तो जीरो कैसे छोड़ दीजिए, प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए हो गया, ए से सबको कर दिए, उसे बी को करिए बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर बी डॉट बी क्रॉस ए, बी डॉट बी क्रॉस ए, ए से सबको कर दिए, बी से सबको कर रहे हैं, सी क्रॉस सी खुद जीरो है छोड़ दीजिए, फिर क्या आ गया लास्ट में बी डॉट सी क्रॉस, एग्जाम का क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में खासकर। बोलिए ये कितना आ गया, सब एसटीपी लिखा हुआ है, अब बोलिए इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी एसटीपी है, ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी ए लिख सकते हैं इसको, ए बी ए इसको लिख सकते हैं, ए सी ए सब एसटीपी लिखा हुआ है, सब एसटीपी लिखा हुआ है, प्लस बी बी सी लिख सकते हैं हम लोग, बी बी सी
प्लस बी बी ए लिख सकते हैं, और लास्ट में क्या है बी सी ए टू डी, सब इसके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अब देखिए दो को सेम जीरो होता है, दो को सेम जीरो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, टू वेक्टर सेम जीरो होता है, तो क्या बच गया ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये जीरो हो गया, दो को सेम जीरो, दो को सेम, पिछला वीडियो देख लीजिए हम लोग पढ़ चुके हैं, दो को सेम जीरो, दो को सेम जीरो, बस बच गया क्या बी सी ए बच गया। क्लियर है? अब ए बी सी, ए बी सी उसको उल्टा कर दीजिए, अब बताए ए सी, ए बी सी बोलिए, याद आ रहा है ए, पिछला ही वीडियो को देखिए अच्छा से, ए बी सी, ए बी सी बोलिए, ए बी सी या बी सी ए, बात एक ही है, एबीसी बोलिए बीसीए, जिसको भी एबीसी लिख सकते हैं लोग, बीसीए का जो वैल्यू होगा वो एबीसी का भी होगा, अंडरस्टूड? एबीसी कुछ नहीं किया है, बीसीए को हम एबीसी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, साइक्लिक है। अब क्या हो गया टू टाइम्स क्या हो गया एबीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इक्वल टू एबीसी, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, एस टी पी, ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए प्लस बी डॉट, क्लियर है? सबको मल्टीप्लाई किए हैं, सबके साथ ए को किए, सबके साथ बी को किए हैं, सी क्रॉस सी जीरो होता है उसको अवॉइड कर दिए हैं, अब उसके बाद सब इसके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट आ गया, प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, दो ठो सेम वेक्टर जीरो होता है, बस फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बचा है एबीसी और बीसी, और बीसीए को एबीसी लिखते हैं, ये भी हम प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ में आ गया टू एबीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछता है, नोट कीजिए बता रहे हैं। देखिए पिछला क्वेश्चन जो किया और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, पूछने का तरीका बदल गया, ए बी सी आर को प्लेनर मतलब क्या दिया हुआ है, ए बी सी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो प्रूव करना है ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस सी जीरो होगा, या अगर टू ए बी सी आएगा देखिए ध्यान से बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, ए प्लस बी, ये एस टी पी लिखा हुआ सब बता देना, इसको ए बी सी लिखिए, ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू पुट करिए, दोबारा बनाइए, अब हम लोग क्या जानते हैं 2 इंटू जीरो होगा, जीरो काय होगा, अगर एबीसी क्वेश्चन में लिखा हो रहेगा एबीसी या कोप्लेनर, इस क्वेश्चन में देखिएगा एबीसी इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, 2 इंटू जीरो जीरो होता है, इसका मतलब प्रूव हो गया कि ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है, नहीं तो 2 एबीसी तो आएगा ही, और अगर एबीसी को प्लेनर तो एबीसी का वैल्यू जीरो होगा, एबीसी को प्लेनर वेक्टर है, एबीसी का वैल्यू जीरो, एकदम वही का वही स्टेप करना, एबीसी जीरो, टू इंटू जीरो जीरो होता है, तो ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, अंडरस्टूड? इस तरह से हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं, वेक्टर चैप्टर का सारा टॉपिक बता दिए, अपने से बहुत सा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन पार हो चुका, कोई भी बोर्ड हो बहुत इजी क्वेश्चन आता है, अंडरस्टूड? नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन है, जो इस साइन को समझता है तुरंत बना देगा, क्या लिखा हुआ मालूम है, आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एस टी पी लिखा हुआ है, चलिए इसको बना के देखिए, तो फ्री आंसर आएगा, एलएचए से स्टार्ट करिए आप, चलिए वीडियो को ऑन ही रखें, लाइव में ही बना के देखिए, तो कितना देर, एक दो मिनट का टाइम लेते हैं, जल्दी से बना के देखिए, फ्री आंसर आता है कि नहीं चेक करिए,
बन रहा है, ट्राई कर रहे हैं, वीडियो ऑन को रखें, ट्राई करके देखिए यहां से थ्री आता है, एसटीपी लिखा हुआ, तीन तीन को एसटीपी लिखा हुआ, आई जे के आर यूनिट वेक्टर पता है, आई जे के आर यूनिट वेक्टर तीनों को जोड़ेंगे थ्री आंसर आएगा। चलिए एलएचएस क्या आई जे के एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आया है, जो अच्छा से टॉपिक पढ़ा होगा एकदम आराम से बना लेगा। आई डॉट जे क्रॉस के, इसको लिख सकते हैं जे डॉट के क्रॉस आई, इसको लिख सकते हैं के डॉट आई क्रॉस जे, याद आ रहा है आई डॉट जे क्रॉस के ऐसे बना लीजिए, अगर भूल गए तो आई जे के पिछला चैप्टर आई डॉट सॉरी जे क्रॉस के क्या होता है आई खत्म, जे डॉट के क्रॉस आई क्या होता है जे खत्म, के डॉट आई क्रॉस जे क्या होता है के, क्लियर है, तो आई डॉट आई बच गया, जे डॉट जे बच गया, के डॉट के बच गया, वन प्लस वन इक्वल टू थ्री, एकदम इजीली बता दिए कैसे सॉल्व करते हैं, नोट इट डाउन, अंडरस्टूड, सबको समझ में आ रहा है, एकदम इजीली समझा दिए, सारा चीज बता दिए, वेक्टर चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आगे आपसे जरूर बनेगा। स्टूडेंट्स हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ लिए, सारा चीज बता दिए, आप सारे चैप्टर को बार बार पढ़ के दोबारा कर लीजिएगा, जितने भी टॉपिक्स एग्जाम में आ सकते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखने वाले एक्सरसाइज है, कम से कम एक्सरसाइज 22 में 1 से लेकर 10 तक बना लेना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में 1 से लेकर 30 तक बना लीजिए, एक्सरसाइज कौन सा है R123 एक्सरसाइज, फिर क्रॉस प्रोडक्ट में भी कम से कम 1 से 25 या 22 तक बना लीजिए, एक्सरसाइज कौन सा R24 एक्सरसाइज, उसके बाद एसटीपी हमने पढ़ लिए, बहुत ही चैप्टर है, एक्सरसाइज 25A बना लीजिए, और होमवर्क लिख दे 1 मार्क के लिए एक्सरसाइज 20B5B बना लीजिए। इस तरह से पूरा वेक्टर चैप्टर अच्छा समझा दिए, फिर भी वीडियो नंबर 1 से फिर फॉलो करिए ना, 1 से लेकर 12 तक पढ़ने में आप देखिएगा रिकॉल हो जाएगा, लिखने का जरूरत है नहीं, 1 से 12 तक कोई दोबारा देखिएगा, पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा, सीधे 12 देखिएगा तो नहीं आएगा स्टूडेंट्स, डोंट बी ओवर स्मार्ट, कोई क्वेश्चन को सर हम दो तीसरा चौथा पांचवा वीडियो देखे ही नहीं, कभी मेरे को फोन आया बोल रहा है कि सर हमको सिक्स वीडियो देखे हम कुछ भी समझ में नहीं आया, बेवकूफ था वो स्टूडेंट, वो क्या किया 1 2 3 4 को देखा ही नहीं, 5 भी देखा नहीं, सीधे 6 आ रहा है, 6 भी बन जाएगा अगर 11 क्लास पास किया था, तो उसमें भी ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाया और 6 में पूछा सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा स्टूडेंट को एंटरटेन भी नहीं करते, अंडरस्टूड, सो यू हैव टू गो थ्रू राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो, हर वीडियो को देखेंगे तभी आगे बढ़िए, ये नहीं सीधे से 12 नंबर वीडियो देखेंगे मतलब सर हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसको दुनिया का कोई टीचर नहीं समझा पाएगा, भगवान भी नहीं समझ पाएगा, सो स्टूडेंट डोंट बी ओवर स्मार्ट, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वीडियो इन सीक्वेंस, 1 से ही स्टार्ट करना, भले आप 1 आज देखें 2 नहीं देख पाए, 3 वाले वीडियो अपलोड हो गए, 3 को मत देखिए, 2 को पहले देख के ही 3 में जाइए, जब 3 देख चुके हो तभी 4, प्लेलिस्ट में सब वीडियो लिखा हुआ है, और नहीं तो मेरे वीडियो में खोजेंगे सब वीडियो नंबर वाइज लिखा हुआ, जरूर खोजिए, एंजॉय करिए, बहुत ही समझा रहे हैं, और पढ़ने का एकमात्र तरीका यही है कि सिक्वेंस वाइज पढ़ना है, रेंडमली कोई 1 से लेकर 12 तक सारे वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अचानक फिर समझ में नहीं आया तो 6 वीडियो को देखिएगा, 1 से 12 देखने के बाद 6 और ही लगेगा आपको, अंडरस्टूड, लेकिन कोई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वीडियो नहीं देखा सीधे चौथा में जाएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, नो स्टूडेंट नो टीचर इन द वर्ल्ड कैन मेक हिम अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, कोई क्वेश्चन बोलता है सर हम तो आज ज्वाइन किए हैं 12 नंबर वीडियो देख रहे हैं बेवकूफ है, उसको क्या करना चाहिए 1 से ही स्टार्ट करके अपने से प्लेलिस्ट में है उसको देख लेना चाहिए, इज इट क्लियर, तो आइए मेरा सजेशन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, हम सोच रहे हैं कि नया क्या चैप्टर बनाया जाए, तो हमको लग रहा है रिलेशन एंड फंक्शन विल बी बेटर फॉर यू, उसका हम लोग आएंगे 3 डायमेंशन प्रोबेबिलिटी में, अंडरस्टूड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए, होमवर्क पूरा कर लीजिए, सारे चैप्टर को दोबारा बना लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट